हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑप्शंस। और मैं आपका दोस्त राजीव माथुर, और मैं अपने इस चैनल पे आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टीज दिखाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो खरीदी के लिए हो, चाहे वो रेंट के लिए हो, चाहे वो लोन के लिए हो। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है। और मैं अपने इस चैनल पे आपको जैसे वन रूम किचन, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मैंने चॉल्स भी दिखाई है, मैंने बंगलोस भी दिखाए हैं, ठीक है सारी। और अगर हाँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरी जो नई नई वीडियोस आएंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाया करेगी और मेरा वीडियो आप देख सकेंगे। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, ये है 1 BHK। जी हाँ, ये 1 BHK है, एम्प्टी फ्लैट है। तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि खाली घर होता है, खाली 1 BHK है तो ये कैसा दिखता है और अपना सामान आप वहाँ पर इंटीरियर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका एरिया क्या है, लोकेशन क्या है, कौन सी बिल्डिंग पे है, ये कहाँ पे पड़ता है, इसके आजू बाजू क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको सब बताता हूँ। लेकिन पहले आप ये घर देखिए, फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये फ्लैट। फ्रेंड्स, जो मैं आज वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये 1 BHK है। और ये देखिए, इसकी ये स्टेयर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सोसाइटी है, इसका कॉरिडोर दिखा रहा हूँ। इधर हर फ्लोर पे 4 फ्लैट होते हैं, 2 लिफ्ट हैं, एक ये है, ये लिफ्ट है, और एक ये लिफ्ट है। ठीक है, 4 फ्लैट होते हैं हर फ्लोर पे। तो ये अभी बाहर का दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये बाहर देखो, ये बहुत अच्छा जगह, ये सबके लिए है, ये और पर्सनली नहीं है, सबके लिए, कोई भी आकर यहाँ पर खड़ा हो सकता है शाम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं, ये ऐसे टावर्स हैं, देख रहे हो आप। ऊपर से ये ऐसा दिखता है, इधर जो देख रहे हो ना, तो ये मेट्रो है, मेट्रो का काम चालू है इधर। ये मेट्रो है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मेट्रो है, ये लोकेशन है इसकी। और ये नीचे ये देखो, ऐसा है, ये 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, ये ऐसा है। तो ये चारों के लिए है। ठीक है, और ये अभी मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ, ये इसका एंट्रेंस जो है ना, ऐसा है। माधव सर, ये खींच गए, ये ऐसा है, ये हॉल है, अभी बंद है, खाली है काफ़ी टाइम से ना, तभी ये आपको पता, ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा। वॉल्स हैं, अपने अकॉर्डिंगली कलर कर सकते हैं, ये सीलिंग है, ये हॉल है जहाँ पे खड़ा हूँ। और ये आपका हो गया वेंटिलेशन के लिए, ये विंडो देखो, ये विंडो है, ये बाहर का है, ये दूसरी साइड की है, उधर जो दिखा रहा था वो अलग साइड है और ये अलग साइड है। देखो अभी हवा चल रही है अच्छी खासी, तेज़ हवा चल रही है, मतलब एसी की मुझे लगता नहीं है ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये आप इधर चाहें तो एक कपड़े सुखाने का भी बना सकते हैं, और यहाँ पे अपना सामान भी रख सकते हैं, और इधर आप अपना स्प्लिट एसी भी रख सकते हैं। ओके, तो ये आपका वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया इधर आपका हॉल, अभी ये सीधा जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में किचन। किचन भी अच्छा खासा स्पेशियस है, ये नीचे आपका पूरा ये सिंक वगैरह है, ये पूरी इतनी बड़ी स्लैब मिलती है, देखो आप, ये ना पूरी इतनी बड़ी स्लैब मिल रही है। आप यहाँ पे ये अपना गैस वगैरह रख लिया, और सामान जो है उधर भी कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रिज रख सकते हैं, ये इधर जगह पर नीचे बहुत जगह है, बहुत स्पेस है, वहाँ पर भी रख सकते हैं। ठीक, और ये इधर से दिखाता हूँ, तो ये किचन, ये पानी का टैंक है। हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में एक टैंक ज़रूर लगा होता है प्रिकॉशन के लिए, कि भाई आप अगर बाहर गए हुए हैं तो आप पानी भर के जा सकते हैं सेफ्टी के लिए, मॉर्निंग इवनिंग पानी आता है। ठीक है, ये किचन हो गया। अब ये इधर आते हैं, तो ये वॉश बेसिन हो गया, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, बहुत दिनों से बंद था। तो ये बाथरूम है, ये बाथरूम है, और सॉरी खाना वगैरह साथ वाले का, ये बाथरूम है। ठीक है, बाथरूम ही खड़ा, बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है,
अच्छा खासा बड़ा बाथरूम है। तो ये बाथरूम हो गया आपका, और ये टॉयलेट हो गया, देसी है अपना हिंदुस्तानी टॉयलेट है। ये फ्लश भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, फ्लश टैंक देखिए। ये आपका हो गया बाथरूम, ये किचन, ये सॉरी ये बाथरूम, ये टॉयलेट एंड दिस इज किचन। लेफ्ट हैंड साइड में ये हॉल है, और ये अभी इधर जा रहे हैं तो ये हो गया आपका बेडरूम। ये बेडरूम है, बेडरूम देख लीजिए, ये बेडरूम है। इधर के वॉक्स हैं, ये ऐसा सीलिंग वगैरह देख लीजिए आप, सीलिंग ऐसी है। तो जब आएगा कोई रहने के लिए, ख़रीदने के लिए, तो रहने के लिए आएगा तो बोल सकते हैं वो पेंट करा के दे देंगे, और जो ख़रीदेगा ऑब्वियसली वो अपने अकॉर्डिंगली इंटीरियर कर लेगा। एक इधर भी वेंटिलेशन का ये देखो, ये विंडो है, इधर का ये लोकेशन ऐसा ही है, ठीक है। अगर खोलूँगा तो वही है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप अपना ये कबूतर बैठा हुआ है। ये नेट इसीलिए लगाए जाते हैं कबूतर अंदर ना है, फिर भी वो थोड़ा उस साइड आ जाते हैं, ठीक है। और अपने यहाँ पे आप सामान रख सकते हैं, एसी रख सकते हैं, और कपड़े सुखाने की जगह बना सकते हैं। इसको खोलेंगे तो हवा आएगा, हवा आती अच्छी खासी। और इधर भी एक छोटा सा इन लोगों ने देखो ये सामान रखने के लिए जगह रखी है, यहाँ पे बनाई हुई है, यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। एक कर्टेन लगा देंगे तो सामान आप पे छिप जाएगा, और कर्टेन रोड भी है इधर, ये आप देखोगे ये कर्टेन रॉड है, यहाँ आप रॉड अपना कर्टेन लगा दीजिए तो आपका प्राइवेसी के लिए कोई नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेडरूम जो मैंने आपको दिखाया है। तो मैं इस वक्त ये बेडरूम में खड़ा हूँ, राइट हैंड साइड में किचन है, लेफ्ट में टॉयलेट बाथरूम है, और सामने हॉल है, ठीक है। ये देखिए फिर से दिखा देता हूँ, वो बेडरूम हो गया, ये आपका किचन हो गया। किचन भी बहुत स्पेशियस है, छोटा नहीं है, जैसे काफ़ी जगह पे छोटे होते हैं, ये अच्छा खासा है, स्पेशियस है, मतलब बहुत बड़ा लेकिन है, अच्छा खासा बड़ा है। और ये आपका हो गया बाथरूम और वो टॉयलेट, जब कोई रहने आएगा तो उसको बना सकता है, डिमांड कर सकते हैं। ये हॉल है, ठीक है। ये इंटरकॉम होता है कि आपको अगर कोई मिलने के लिए आया है तो नीचे से वो लोग पूछते हैं, आपको कॉल करते हैं, तो ये इंटरकॉम है ये, ठीक है। तो आपको अगर वॉचमैन को कुछ बोलना है तो आप यहाँ से बोल सकते हैं। सब मैंने बता दिया, हॉल, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, पीछे बेडरूम। ये बाहर आ गया मैं, बाहर से ये कुछ ऐसा है, सब लोग जा सकते हैं बाहर का। आप चाहें तो चप्पल वगैरह रखने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, शू रैक वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, या अंदर भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने देखो यहाँ बच्चे की साइकिल रखी है, तो आप भी अपने यहाँ पे साइकिल वगैरह रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेफ्टी के लिए। ये फ्लोर बहुत अच्छा लग रहा है उधर, मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। ये स्टेयर्स हो गई, ये आपकी लिफ्ट हो गई इधर, ये दो लिफ्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी फिर मैं आपको वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ, थैंक यू। 1 BHK है एरिया इसका, है कारपेट एरिया, ठीक है, बिल्डअप एरिया नहीं बोल रहा हूँ, कारपेट एरिया मायने रखता है। बिल्डअप एरिया से क्या करना है, जिसमें आपको रहना है वो एरिया पता होना चाहिए। तो ये बिल्डअप एरिया इसका है 305 मतलब 305 स्क्वायर फीट है, ठीक है, 305 स्क्वायर फीट है। तो और इसकी लोकेशन मैं बता देता हूँ, ये बिल्डिंग जो है एक्चुअली बिल्डिंग नहीं है, टावर्स है, जैसे कि आपने देखा होगा मैंने इसमें डाला भी है, ये टावर है, बड़े बड़े टावर्स हैं। और इसकी लोकेशन है, इसको कांदीवली वेस्ट भी बोलते हैं, इसको एकता नगर भी बोलते हैं। और अच्छा पार्किंग के बारे में बता देता हूँ, पार्किंग जो है ओपन है, बिल्डिंग में कुछ पार्किंग है जो प्राइवेट है जो खरीद सकते हैं, तो हर फ्लैट के साथ पार्किंग नहीं मिलती है, तो कुछ लोग जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, वो खरीद लेते हैं, वो प्राइवेट कर लेते हैं। बाकी ओपन पार्किंग है, ओपन मतलब आपका टू व्हीलर, आप जैसे एक जगह बनी हुई है तो वहाँ पे टू व्हीलर्स वहाँ पे खड़े कर सकते हैं, बाइक स्कूटर आपका जो भी है। फोर व्हीलर के लिए कुछ जगह जो है बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ पे अपना फोर व्हीलर आप खड़ा कर सकते हैं। अगर वहाँ जगह नहीं है तो बिल्डिंग के बैक साइड में पीछे वो कवर किया हुआ है इन्होंने एरिया, तो वहाँ पे आप अपना फोर व्हीलर खड़ा कर सकते हैं। तो वहाँ ओपन पार्किंग है, ऐसा नहीं है कि भाई आज आपने वहाँ पार्क किया तो कल भी वहीं पर ही पार्क करने की जगह मिलेगी, नहीं, ठीक है, ये आपको अलग अलग जगह पे मिलेगी, क्योंकि प्राइवेट नहीं है ना, ओपन है, कोई भी कहीं पर भी खड़ी कर सकता है। टू व्हीलर का भी यही है,
अच्छा आप बताता हूँ कि लोकेशन जैसे मैंने बताया कांदीवली वेस्ट में है, एकता नगर भी बोलते हैं इसको, और स्टेशन से कितना दूर है। सबसे पहला पॉइंट यही आता है, सब लोग फ़ोन करके भी पूछते हैं और मैसेज में भी पूछते हैं कि स्टेशन से कितना दूर है। स्टेशन से ये 20 मिनट का रास्ता है अगर ट्रैफिक नहीं है तो। बारिश का माहौल है, सब बारिश स्टार्ट हो चुकी है और रोड की क्या हालत होती है आपको पता है, गड्ढे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहे फोर व्हीलर में जाइए चाहे अपना बाइक पे जाइए, स्लो ही जाना पड़ता है और ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है, तो एटलीस्ट 20 मिनट पकड़ दीजिए और सारी फैसिलिटीज इधर अवेलेबल हैं, जैसे अपना ऑटो, आप जैसे बिल्डिंग से उतरेंगे बाहर जाएंगे ऑटो तो ऑब्वियसली मिल जाते हैं, ओला उबर कहीं पर भी पहुंच जाता है, बस की बसें जो हैं आप उतरेंगे तो बस स्टॉप है वहां से बेस्ट की बस पकड़ सकते हैं। मेट्रो का स्टेशन भी बहुत जल्दी रेडी होने वाला है, वहां पे फर्स्ट स्टॉप और लास्ट स्टेशन जो है, जो मैं हर वीडियो में काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूं, तो पास में ही है, तो वो अगर आप जाएंगे तो हार्डली 10 से 12 मिनट लगेंगे, अगर बाय वॉक जाएंगे तो 10 से 12 मिनट शायद ज़्यादा ही लगेगा, ऑटो से जाएंगे तो आप 5-7 मिनट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो वो मेट्रो स्टेशन यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट है कि आने वाला तो फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, और स्टेशन मैंने बता दिया। अच्छा, सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, जो चाहिए आपको, घर का सामान चाहिए, इंटीरियर का सामान चाहिए, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे, बाकी ऑनलाइन भी मंगाई लेता है आदमी, लेकिन ऑनलाइन में टाइम लगता है, तो आपको ताबड़तोड़ जो खरीदना है तो आप नीचे जा कर के खरीद सकते हैं। अच्छा, जो मॉल्स हैं इसके आजू बाजू, मतलब थोड़ा सा दूर में बहुत सारे मॉल्स हैं, डीमार्ट वगैरह हो गया और शॉपर स्टॉप हो गया और भी, मतलब अच्छे अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे। अभी वो बड़ा मॉल है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसके दो है, तो वो मॉल का नाम याद, बहुत बड़ा मॉल है, इस एरिया का सबसे बड़ा मॉल वही है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मॉल का, उस मॉल का क्या नाम है, बहुत बड़ा है वहाँ, हर ब्रांड है वहाँ पे, और उसको गोरेगांव में है, गोरेगांव स्टेशन के पास है वो, सॉरी स्टेशन के नहीं, गोरेगांव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास है वो। ठीक है, एरिया मैंने बता दिया 305 है, कार पार्किंग वगैरह नीचे अवेलेबल है, अगर प्राइवेट है तो ऑब्वियसली आप ही की है, नहीं तो ओपन पार्किंग है, टू व्हीलर के लिए ओपन पार्किंग है, और स्टेशन से कितना दूर है, हाँ जी 20 मिनट है, और मेट्रो से कितना दूर है, अगर बाय आप अपना ऑटो से जाते हैं 5-7 मिनट लगेगा, अगर पैदल जा रहे हैं तो 12-15 मिनट पकड़ लीजिए, और अच्छा और क्या, आजू बाजू सारी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, रोड अभी बारिश है तो हर जगह की सेम ही स्थिति है, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, अच्छा अभी प्राइस क्या है यार, मेरे को ना लोग बार बार कहते हैं सर आप बताते तो ठीक से हो, लेकिन क्या करते हो आप ना प्राइस नहीं बताते, ये थोड़ा गड़बड़ करते हो यार। देखो आप क्यों नहीं समझ रहे हो, मैं अगर ये वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं कभी कभी ना, वो लोग बोलते हैं अरे सर आपने उस वक्त वो वीडियो में आपने ये प्राइस बताया था, उस वक्त बात हुई थी तो आपने ये बात, ये प्राइस बताया था, और अभी आपसे पूछ रहे हो तो आप 2-3 लाख रुपये या 3-4 लाख रुपये एक्स्ट्रा बता रहे हो। मैं इसीलिए नहीं बताता हूँ, और मुझे सामने वाले भी ये बोलते हैं कि अभी क्या है कि ना प्राइस या तो वहीं रुक जाते हैं या फिर बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं, चाहे वो आप रेंट पे ले लीजिए चाहे आप खरीद में ले लीजिए, वो बढ़ते ही बढ़ते हैं, इसलिए नहीं बताता हूँ मैं, तो फिर बाद में क्या कहते हैं अरे आपने बता वो बोला था अभी ये, तो वो चीज़ नहीं है। आप इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देता हूँ, तो आप वहाँ कॉल कीजिए, आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, एक पूछेंगे कौन सी लोकेशन है, अच्छा जी रिप्लाई करता हूँ मैं, आगे ये यहाँ पे, अच्छा स्टेशन से कितना दूर है, फिर रिप्लाई कर देता हूँ, अच्छा कौन से फ्लोर पे है, फिर बोलना पड़ता है भाई ये फ्लोर है, जरूरी नहीं है कि आपने जो वीडियो देखा है वही मिल जाएगा आपको, ऐसा जरूरी नहीं है, फ्लोर कोई भी मिल सकता है, एक फ्लैट खाली नहीं है यहाँ पे, बहुत सारे फ्लैट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन यू हैव टू कम, आपको आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कौन से फ्लोर पे है। अभी मैं एक पर्टिकुलर एक फ्लोर बोल दूंगा आप वही पकड़ लेंगे, फिर बाद में आप बोलेंगे अरे सर आपने तो वो फ्लोर पे बताया था, ऐसा नहीं होता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये वाला फ्लैट देख रहे हैं, हो सकता है जब तक आप देखना चाहेंगे या आप इस बारे में, इसके बारे में जानकारी करेंगे पूछेंगे, हो सकता है तब तक या तो ये बिक चुका होगा या हो सकता है ये रेंट पे चला गया होगा। बट ऐसे ही फ्लैट होते हैं, ऐसी बिल्डिंग होती है, तो आपको आइडिया मिल जाता है ये एज इट इज जैसे बिल्डर ने बना के दिया, ये वो फ्लैट है, इसमें कोई इंटीरियर नहीं हुआ है, कोई टाइल्स वगैरह ज्यादा नहीं लगी है, कोई किसी ने अंदर से कुछ काम नहीं किया है, एज इट इज बना के छोड़ दिया है, और वही वीडियो मैं अलग अलग बनाता रहता हूँ ताकि आपके जहन में आपके माइंड में ये बात आ जाए कि भाई हाँ एम्प्टी लेंगे तो ऐसा भी मिलता है, कहीं थोड़ा काम किया होता है, किसी ने थोड़ा फर्निश डाला होता है, किसी ने सेमी फर्निश छोड़ा होता है, कोई फुल्ली फर्निश बना के छोड़ देता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं रेंट नहीं बताता हूँ, रेंट मतलब प्राइस नहीं बताता हूँ,
प्राइस देखो डिपेंड भी करता है बिल्डिंग पे, एरिया पे, फ्लैट पे, बिल्डिंग अच्छी मेंटेन है कि नहीं, आपका जो फ्लोर है वो अच्छे से मेंटेन है कि नहीं, आपका जो फ्लैट है अंदर से अच्छा बना है कि नहीं बना है, और ओनर कितना डिमांड कर रहा है। और ऑब्वियसली बात है, हम एक चीज खरीदने जाते हैं, जब सामने बैठते हैं आप अगर इंक्वायरी करेंगे तो वहां पे आपको बढ़ाकर ही बताएंगे, जब आप इंटरेस्टेड होंगे, देखेंगे, आप बोलेंगे किसी को, हाँ मुझे ये फ्लैट पसंद है, तब प्राइस अलग होता है, फिर भी बार्गेनिंग होती है, सामने वाले को अगर जरूरत है तो वो कम कर देता है, अगर नहीं उसका उसको पता कि भाई ये अच्छी लोकेशन पे बिल्डिंग है, अच्छी लोकेशन पे मेरा फ्लैट है, अच्छे फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, मैंने काम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली वो अगर वो होल्ड कर सकता है होल्ड करते हैं, कोई बात नहीं, 2 महीना होल्ड कर दूंगा, 6 महीना होल्ड कर दूंगा, लेकिन 2-3 लाख का मैं नुकसान नहीं करूंगा, है ना। तो ये रीजन भी होता है, कई बार हम हाँ जी चलो ठीक है कैश पेमेंट कर रहे हैं, बोलो कितना चाहिए, अभी बैठो टेबल पे, चलो ये भी 2-3 दिन के हम निपटा देते हैं ये काम, तो वहाँ कम हो जाता है। लोन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, आपको ज़्यादा देना पड़ता है थोड़ा सा, दोनों साइड ओनर भी डिमांड ज़्यादा करता है, क्योंकि भाई आपका तो लोन पे आएगा, टाइम लगेगा, तो इतना देना पड़ेगा, अगर आप फुल पेमेंट कर रहे हो तो आप इतना दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैं नहीं बताता हूँ, आपको नंबर दिया हुआ है, आप एक एक लाइन पूछते हैं, फिर दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर तीसरा पूछते हैं, एक बार कॉल कीजिए, एक बार जो पूछना है पूरी इंक्वायरी ले लीजिए ना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता बार बार टाइप करो आप, फिर करते फिर टाइप करो फिर, वो नहीं अच्छा लगता ना आपको, इसीलिए नंबर दिया जाता है, आप कॉल कर दीजिए, पूछ लीजिए पूरी डिटेल, कौन से एरिया में, वेस्ट में, ईस्ट में, स्टेशन कितना दूर है, नीचे क्या क्या फैसिलिटीज है, वॉचमैन है कि नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं, फ्लोरिंग पे कितने फ्लैट्स हैं, अंदर से काम किया नहीं, ओनर क्या डिमांड कर रहा है, रेंट पे लेंगे तो क्या होगा, लोन पे लेंगे, आप पूरा पूछिए, एक एक चीज बताएंगे आपको, वो एक एक क्वेश्चन पूछते हैं अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, सिर्फ एक बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये फ्लैट के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, किसी को भी अगर पसंद, मतलब अगर ये देखना है, पसंद करना है, या ये फ्लैट अच्छा लगा है और विजिट करना चाहते हैं, कॉल कर दीजिए, आपको लोकेशन शेयर कर दी जाएगी, या आपको बता दिया जाएगा, एड्रेस बता देंगे, तो आप आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, हाँ देखो 2-3 चीज़ मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि एक तो देखो यार, मैं एजेंट नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ, सिर्फ मेरे को बहुत कॉल आते हैं, मैं सिर्फ उनको बोल देता हूँ, ये वीडियो इनके थ्रू बनाता हूँ तो उनको मैं वहाँ तक पहुँचा देता हूँ, लेकिन आप मेरे उस पर मत चलिए, आप जरूरत नहीं है कि आप उसी एजेंट या उसी ब्रोकर से लेंगे, नहीं, आपको जहाँ से लेना है लीजिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, अपनी मन की तसल्ली कीजिए, कहाँ से भी लेना है लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरे थ्रू गए तो नहीं, आप एक एक चीज इंक्वायरी कीजिए, कहीं से भी ले रहे हैं, चाहे रेंट पे, चाहे खरीद पे, चाहे लोन पे, एक एक चीज तय कीजिए, सोचिए, समझिए, पूछिए, उसके बाद ही लीजिए, ठीक है। और दूसरा, हाँ मैं एजेंट नहीं हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ। सेकंड, अगर आप घर खरीद रहे हैं, हर वीडियो में बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, प्लीज घर के, फ्लैट के, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसके पेपर्स लॉयर्स को जरूर 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 चेक कराइए। अगर एक बार पेमेंट चली गई, टोकन कर दिया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिर वो माथापाची में आप ही फंसेंगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए बोलता हूँ, चाहे कहीं से भी, मैं बोल रहा हूँ, आप बॉम्बे की बात नहीं है, मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी घर रहे हो, आप प्रॉपर्टी के ना लॉयर्स होते हैं, वकील होते हैं, आप जिसका घर है उसको बोलिए हमारे साथ, लॉयर्स के साथ चलिए, पेपर चेक कराइए, पेपर में वो लॉयर देखेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी तो ले लीजिए, फिर उसके बाद आप कट टू कट बात कीजिए, हाँ जी बोलिए कितने पैसे लेने, पहले पेपर चेक कराइए, पेपर चेक कराने के बाद ही प्रॉपर्टी खरीदिए, खरीदने की बात कर रहा हूँ, लोन पे है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं थोड़े टाइम के बाद एक प्रॉपर बताऊंगा आपको क्या क्या करना होता है जब खरीदते हैं, लोन पे लेते हैं, रेंट पे लेते हैं, क्या क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं, तो मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। तो बस अभी यही इतने इस वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत लोग बोलेंगे जबरदस्ती का बोले जा रहा है, तो प्रॉपर्टी जब भी खरीद रहे हैं लॉयर्स को दिखाइए फिर खरीदिए, ठीक है। और प्लीज़ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं अपने चैनल पे ऐसी ही अच्छी सस्ती प्रॉपर्टीज डालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये 1 BHK वैसा है कि काफ़ी लोग अफोर्ड कर सकते हैं इसको, इतना महंगा नहीं है, यही इसी एरिया का अगर आप प्राइवेट बिल्डिंग में कहीं अच्छी बिल्डिंग में लेने जाएंगे ना तो इसका आपको डबल देना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, डबल देना पड़ेगा। अगर 1 BHK आप किसी प्राइवेट बिल्डिंग में, अच्छी बिल्डिंग में, आज की डेट में अगर बुक करने जाते हैं या खरीदने जाते थे ना रेडी टू मूव में, तो एटलीस्ट आपको 95 लाख रुपये या 90 लाख रुपये देने पड़ते हैं, ये उससे बहुत कम में है। आप फ़ोन कीजिए, जान पता कीजिए कितने का, ठीक है। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
थैंक यू, बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए वीडियो।